हमारे साथ। तो आप एक तो अमूमी तौर पर मसाइल के हवाले से और ख़ासकर जो ख़वातीन की भरपूर शिरकत, अभी भी यहाँ सैकड़ों ख़वातीन जो हैं वो पस मंज़र में मौजूद हैं, तो आप, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक तो अपने मसाइल को बयान करें जिस हमारे चैनल के ज़रिए, दूसरी बात ये कि आप क्या समझते हैं ये बेसी जो है क्या वजह है इसकी, आप क्या समझते हैं बेसी की वजह क्या है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे बच्चों का मुआशी कत्ल है। आपने इससे पहले देखा होगा कि हुकूमत सिंध जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ हमेशा जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक करती है। हम लोगों को हर चीज़ के अंदर जो है ना वो डिग्रेड किया जाता है, हालांकि रिवार्ड हम लोगों की वजह से मिलते हैं। कोरोना में जब पूरी दुनिया बंद थी, हर चीज़ बंद थी, हर डिपार्टमेंट बंद था कि भाई हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, तुम्हें जो है ना हर चीज़ की वहाँ फैसिलिटीज़ आपके घरों में दी जाएगी, खुदारा अपने घरों में रहो, तो उस वक्त हम लोगों ने अपनी जान के, हमारे लोगों ने जान के नजराने दिए, शहादतें हुई, उसमें काम हम लोगों ने किया। अगर सीएम को और मैडम को अवार्ड मिल रहे थे वो सिर्फ हम वर्कर्स की वजह से मिल रहे थे, लेकिन आज किया जा रहा क्या किया, जब ये लोग किसी चीज़ को बंद करते हैं तो इनकी कमेटियाँ भी बैठ जाती हैं और रातों रात नोटिफिकेशन भी निकल जाते हैं। ये सब कैसे होता है कि जब देने का वक्त आता है तो आप कहते हैं कि ऐसे तो हो नहीं सकता, कमेटियाँ बैठेंगी उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन ये जो आप सैकड़ों खवातीन देख रही हैं, ये इनके हमारे साथ हमेशा जो है वो नाजायजी हुई है, हमेशा हमें सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में के वजह से हमें रुलाया गया है, लेकिन हम चुप रहे, हमने बर्दाश्त किया कि वक्त है, हो जाएगा, हमें टाइम पे टाइम, हमें डेट पे डेट देते रहे, जैसे कोर्ट में होता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरीके से हमें भी हेल्थ डिपार्टमेंट में तारीख पे तारीख दी जाती है और हमें हर तरह से जो है वो हिरासा किया जाता है। लेकिन आज का जो सवाल है, आज का जो वक्त है कि लोग दो वक्त की रोटी जो है वो अपने बच्चों को पूरी नहीं खिला पा रहे, ये मेरे बच्चों का मुआशी कत्ल है। तो इसके खिलाफ हम जो है वो भरपूर आवाज़ उठाएंगे। और ये जो हुकूमत सिंध समझ रही है कि किसी भी तरीके से गिरफ्तार करके, लाठीचार्ज करके हमें चुप करा देंगे, तो हम सर पे कफन बांध कर आए हैं और अपने बच्चों का हकूक लेकर ही जाएंगे।